सभी दोस्तों का वेलकम है। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आपके मोगरे का प्लांट जो है सर्दियों में कुछ इस तरह हो गया होगा जैसे कि मेरा है, तो सबसे पहले उसकी कटिंग कर दीजिए। तो देखिए, मैंने भी अपने मोगरे की प्लांट की कटिंग कर दी है। तो सर्दियों में अक्सर मोगरे के प्लांट के सारे पत्ते गिर जाते हैं और वो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो अब हम इसे गर्मी के लिए इसे तैयार करना है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमें काम करना है, तो सबसे पहले हमें इसको रूट बॉल को बाहर निकालना है ऐसे हिला के। तो आपको घबराना नहीं है, आपके मोगरे का प्लांट नहीं मरेगा। तो देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी घनी हो गई हैं। तो दोस्तों, गमले में एक लिमिटेड जगह होती है जिसमें जड़ें ज़्यादा नहीं फैल पाती हैं। तो देख सकते हैं इसकी जड़ें जो है कि रूट बाउंड हो रही हैं। तो दोस्तों, इसको फ्लावरिंग के लिए हमें तैयार करना है ताकि गर्मी में अच्छे से ये फ्लावरिंग करें। तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी मैं 50% जड़ें काट दूँगा। तो जो रूट बॉल है वो हम इसी गमले में ही दोबारा लगाएंगे। तो अब हम देखिए इसमें क्या क्या डालते हैं। ये पहले नंबर बोन मील है, 2 चम्मच के करीब हमने ले लिया है। ये सरसों खली है, वो नीम खली है 2 चम्मच, और ये बर्मी कंपोस्ट है, इसकी जगह आप गोबर खाद भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसकी रूट को हटाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसकी 50% रूट जो है कि हटा दी है। तो ये जो रूट देख रखे हैं ये दोबारा हम लगा देंगे। तो पहले हम अपने गमले को रख के देखते हैं इसमें कैसी जगह आ रही है। इसमें मैंने वही मिट्टी डाली है और इसको पहले हम डाल देते हैं ताकि जब इसकी जड़ें दोबारा नए सिरे से निकलेंगी तो उनको तुरंत ये जो है हम जो इसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो उन्हें तुरंत मिलेगा। तो अब हमने इसमें डाल दी है। इसमें आप अपने किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं ताकि उसे अच्छा फूड मिल सके प्लांट को। तो अब हम इसी में अपना प्लांट लगाएंगे, आपको भी इसी तरह करना है। और मिट्टी आपको वही डाल लेनी है, मिट्टी कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो हम अपने रूट बॉल को रखते हैं। तो हमारा रूट बॉल सही आ रहा है, उसे हम पानी डालते रहेंगे तो कुछ दिनों में ये सेट हो जाएगा। तो अभी आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ वीडियो में बने। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आपके सामने ये है। तो दोस्तों, हमारे प्लांट को जो है रिपोर्ट किए हुए 1 हफ्ता हो गया है और इसमें नई ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी नई ग्रोथ कितनी ही शानदार निकली है। तो दोस्तों, जितनी हम अपने प्लांट को जो है कि प्रूनिंग करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल रखना है, अपने प्लांट को प्रूनिंग जितना करेंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो देख सकते हैं पूरे प्लांट में नई ग्रोथ चालू हो गई। अब हमारा मोगरे का प्लांट जो है कि नई फ्लावरिंग करने के लिए तैयार है और ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने प्लांट को जो है कि आपको 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपको इसकी रूट प्रूनिंग और जो ब्रांच प्रूनिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और फिर जल्दी आपको एक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए।